मुख्य सेवक सदन देहरादून में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। आज का यह कार्यक्रम हमारी विकास नीति का एक उत्तम उदाहरण है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आज 17 विभागों की लगभग 8200 करोड़ की 122 विभिन्न योजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि हमारा लक्ष्य है देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना, और इसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमने संकल्प लिया है, मंत्र लिया है, उस मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए हमारे सरकार के लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। एक नई कार्य संस्कृति प्रदेश के अंदर आए हैं और इसका एक सकारात्मक जो परिणाम है वह भी देखने को मिल रहा है कि प्रदेश में अब लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। आज का ये कार्यक्रम भी हमारी जो विकास की नीति है, जो हमारे काम करने की ललक है, परिश्रम करना है, ये इसका एक उदाहरण है, जिसमें हम 100-200 करोड़ नहीं बल्कि 8200 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी विकास काम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले बाबा केदार की भूमि से कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक, तो उस दिशा में हमारे ये बढ़ते हुए कदम हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास करने के लिए जो विकल्प रहित संकल्प है, जिसके बारे में आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अभी यहाँ से कहा, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। और अभी आपने देखा कि कल भी यहीं देहरादून में एक बड़ी धनराशि 226 करोड़ रुपए की योजनाओं का हमने, प्रेमचंद जी ने, हमारे उमेश शर्मा काऊ जी ने एक बड़ा लोकार्पण और शिलान्यास किया। अभी टनकपुर में नितिन गडकरी जी आए थे, उनके साथ 2215 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन हुआ था। हरिद्वार में हम सब की उपस्थिति में, सारे विधायक, सारे आदरणीय मंत्रीगण, सभी लोग थे, उसमें लगभग 4700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास हुआ था। मातृशक्ति का पिछले दिनों हरिद्वार में कार्यक्रम हुआ था 12 फरवरी को, उसमें भी 1168 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। चंपावत में 161 करोड़ की, अल्मोड़ा में 117 करोड़ की, पौड़ी में 828 करोड़ की और रुद्रप्रयाग में 456 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ। इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़, बागेश्वर, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, सभी जगह पर, अगर हम सभी जगह के जो लोकार्पण और शिलान्यास को जोड़ लें तो वह भी पिछले दो महीने में 10,000 करोड़ के लगभग इतनी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उसके बाद आज 8,000 करोड़ की धनराशि के 8,275 करोड़ की धनराशि के कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, और ये सब मिलाकर 18,000 करोड़ से ज़्यादा हो गए। ये दर्शाते हैं कि हम उत्तराखंड को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम तेजी से विकास को धरातल पर उतार रहे हैं। भाइयों बहनों, हम अभी एक साथ दो मोर्चों पर काम कर रहे हैं। एक ओर हम उत्तराखंड को जैसा उत्तराखंड है उससे बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम प्रदेश को भविष्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, विकसित और आने वाले समय में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस दिशा में काम कर रहे हैं। और साथ में जो हमारी मातृशक्ति है, हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, वो सब रोजगार से जुड़े, स्वरोजगार से जुड़े, अन्य माध्यम से जुड़े, इस प्रकार की योजनाओं को हम अपने नियोजन में ला रहे हैं। अगर हम आज के ही इस कार्यक्रम की बात करें
तो हम सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, आवास, ग्राम्य विकास, ऊर्जा, ऐसे कई जुड़े हुए विकास कार्यों के आज शुभारंभ कर रहे हैं, ताकि हम प्रदेश का वर्तमान जो है वो बेहतर हो सके। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योजना आज जो धरातल पर उतरेगी, स्मार्ट मीटर की, इसके कारण से बहुत सारा हमारा संसाधन भी बचेगा। आज मुझे विश्वास है कि जिन कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास हमने किया है, निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के विकास को नई उड़ान देंगे। मैं आज बहुत पुनः बधाई देता हूँ, और इन विकास कार्यों में अपना योगदान देने वाले हमारे सभी अधिकारी गणों को, सभी हमारे श्रमिकों को, कर्मचारियों को, उनको भी, उन सभी भाई बहनों का भी धन्यवाद देता हूँ कि उनके परिश्रम से, उनकी मेहनत से ये योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।